दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मऊ के वैक्सीनेटर सहायकों ने जो है ज्ञापन सौंपा था। राष्ट्रीय वैक्सीनेटर संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन को सौंपा था। तो दोस्तों बहुत लोगों के वो आ रहा है कि इसका जो ज्ञापन के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, तो दोस्तों इसी मैटर पर हम बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं हम आप लोगों को पूरी बातें। दोस्तों छह मांगों के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया था, इसको मऊ के वैक्सीनेटर सहायकों ने जो है सौंपा था और त्रिभुवन जो मजिस्ट्रेट है वहाँ के उनको जो है दिया गया था। तो दोस्तों क्या था पूरा माजरा, पहले इसको हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आया है। बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है और हो सकता है कि अब सैलरी जो है बढ़ भी जाए। तो दोस्तों आइए पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ पूरा लास्ट तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, चलिए टाइम ना गवाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं पूरी बातें। राष्ट्रीय वैक्सीनेटर संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा था। सौंपे गए ज्ञापन में समस्त कर्मियों को 18,000 से 20,000 रुपये दिए जाने के लिए ज्ञापन में लिखा गया था। सरकारी कर्मचारियों की भात बीमा सुरक्षा भी दिए जाने की मांग की गई थी। कर्मचारियों को लैपटॉप और कृत्रिम गर्भाधान करते हुए प्रशिक्षण भी जो है दिया जाए, इसका जो है भी इन्होंने ज्ञापन में मेंशन किया था। ज्ञापन देने वालों में सत्यानंद, नवजोत सिंह, उदय नारायण शर्मा आदि जो है रहे, ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर में भी आया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इसका कोई भी जो है रिजल्ट नहीं आया है और सरकार किसी भी प्रकार से जो है वैक्सीनेटर सहायकों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। लगातार अपने मनमानी ढंग से जो है सरकार काम कर रही है। वैक्सीनेटर सहायकों को किसी प्रकार की जो कोई सेवाएं जो है नहीं दी जा रही हैं। कुछ जगहों पर द्वितीय वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार धरना प्रदर्शन और लगातार ज्ञापन के बाद में भी कई संगठन जो है इसको मुद्दे को उठा चुके हैं और हम लगातार जो है इस पर जो है बातें उठ रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीनेटर सहायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वैक्सीनेटर सहायक हमको ये बताएं चैनल के माध्यम से कि आगे क्या किया जाए। सभी वैक्सीनेटर सहायक कमेंट में बताएं, जो आप लोग कहें वही किया जाएगा। तो वैक्सीनेटर सहायक भाइयों हम आपके साथ हैं, जो भी आप लोग चाहिए जो भी बताइए वो हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मैं हूं अंकुर तिवारी, अमेठी यूट्यूब चैनल से, अमेठी ब्लॉग न्यूज आप देख रहे थे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अब क्या होना चाहिए और ये सरकार जो मनमानी कर रही है इसको किस प्रकार से जो है देखना है, किस प्रकार से हम लोगों को काम करना है, ये सभी लोग कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग भी आगे की रणनीति बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।